गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चौधरी रीजनिंग गुरु फिर एक बार आपके साथ रीजनिंग के अपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के पार्ट टू के साथ अपनाए हैं। देखिए, जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें अपन ने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट देखा, जिसमें अपन ने दो टाइप मुख्यतः पढ़े हैं। पहला बड़ा साधारण सा टाइप था, शब्द की कोड शब्द। दूसरा अपन ने पढ़ा वाक्य का कोड वाक्य। देखिए दोस्त, आज अपन जो तीसरा और चौथा टाइप पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है अक्षर की कोड संख्या और अक्षर की कोड अक्षर, अक्षर की कोड संख्या और अक्षर की कोड अक्षर। तो देखिए दोस्त, जो आज की क्लास है इसमें अपन एज ए प्रैक्टिस करेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपन सबसे पहले देखते हैं अक्षर की कोड संख्या और अक्षर की कोड अक्षर के क्वेश्चन। देखिए दोस्त, जैसे मान लो अपन पहले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन दे दे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे दे दिया कि एस ओ यू पी, क्वेश्चन दे दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में एस ओ यू पी सोप को यदि 16, 21, 15, 19 कहा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में, तो इसी सांकेतिक भाषा में आर ओ एस टी को क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में यदि एस ओ यू पी, देखिए दोस्त सोप अपन बोल सकते हैं, बाकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन कोशिश करें एक एक अक्षर बोलने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पुनरावर्ती रिपीट होते हैं, बोलने से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई एस ओ यू पी सोप को 16, 21, 15, 19 क्यों कहा, कारण क्या है, ये चीज़ मुख्य है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा कि चार अक्षर इधर है, चार संख्याएं सामने हैं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन अपने सामने आता है तो अपन सबसे पहले नंबर डाल लेंगे। एस कितने नंबर पे है दोस्त, 19 नंबर पे। ओ कितने पे, 15 नंबर पे। यू कितने नंबर पे होता है, 21। पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। देखिए, अपन ने नंबर डाल लिया। अब नंबर डालते ही अपने को मालूम चल गया कि यार 19, 15, 21, 16। अब देखिए, सामने अपन ने देखा तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, 16। फिर क्या लिख रखा है, 21। फिर लिख रखा है 15। और सबके अंत में लिख रखा है 19। मतलब जो अंत में जो संख्या है उसको कहाँ लिख रखा है, पहले, उल्टे क्रम में उनको स्टार्ट कर रखा है। अब देखिए, जो काम अपन ने ऊपर किया वही कहाँ कर देंगे, नीचे। सबसे पहले आप नंबर डालोगे, आर कितने नंबर पे है, 18। ओ 15 नंबर पे। एस कितने पे है, 19 पे। ओ टी कितने पे है, 20 पे। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 20। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, 19। फिर क्या लिखेंगे अपन, 15। और अंत में क्या लिखेंगे अपन, 18। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 20, 19, 15 और 18। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन दे दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि एल ओ ए डी लोड को 32 लिखा जाए। क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में एल ओ ए डी लोड को 32 लिखा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में ई वी ई आर वाई को क्या लिखा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि एल ओ ए डी को क्या लिखा जाए, 32, 32, तो फिर ई वी ई आर वाई एवरी को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए दोस्त, अपने को मुख्य चीज ये देखनी है कि लोड को 32 क्यों कहा, कारण क्या है कि लोड को 32 कहा, ये चीज अपन देखेंगे।
और यदि ये चीज़ अपने को मालूम चल गई तो फिर अपना आसानी से बता सकते हैं कि एवरी को क्या कहेगा। तो देखिए यहाँ पर ने देखा कि लॉर्ड में एक दो तीन और चार कितने अक्षर हैं, चार। यदि सामने चार संख्याएं होती तो अपन प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संबंध देखते, लेकिन यहाँ देखो सामने संख्या एक, दो अलग अलग नहीं है, 32 है, एक संख्या है। तो एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी शब्द का कोड, किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो, संख्या 100 के लगभग हो, तो सबसे पहले अपन कोशिश करें कर्मों का योग करके। क्या करें, कर्मों का योग। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपने डाला एल, एल कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे। ओ कितने पे है, 15 पे। ए एक नंबर पे, और डी कितने पे, 4 पे। देखिए दोस्त, अपन ने प्लस किया, 4 और 1 5, 5 और 15 20, 20 और 12 32, और अपन ने देख लिया कि इसके कर्मों का योग कितना आया, 32। आगे आंसर, जो काम लोड में किया वही किस में करते हैं अपन, एवरी में। अपन ने देखा कि ई का कर्म कितना है, 5। वी अपन ने पढ़ा था, विनीता कितने की थी, 22 साल की। ई कितने नंबर पे, 5 पे। आर कितने पे, 18। और वाई कितने पे, 25। अब देखिए दोस्त, इनका प्लस किया अपन ने, सबका योग किया, तो सबका योग किया तो कितना है अपना, 5 और 5 10, 10 और 25 35, 35 और 40 75। तो अपना आसानी से जवाब दे देंगे कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कितना है, 75 है, 75, और यही आंसर है इसका। देखिए इसी क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूं और यदि मैं लिख दूं कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में यदि एल ओ ए डी लोड को 64 कहा जाए तो बताइए ई वी ई आर वाई एवरी को क्या लिखा जाएगा। और अपने पास ऑप्शन आगे ए ऑप्शन 110, बी ऑप्शन 140, सी ऑप्शन 150, डी ऑप्शन 170, ये ऑप्शन आ गए अपने पास। देखिए अब तो ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते ही अपन कर देंगे, लेकिन जब ये पेपर के बीच में आ जाए तब अपने महाभारत खड़ी कर देगा। देखिए दोस्त, एक ही बात याद रखिए अपन ने कि किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो, संख्या 100 के लगभग हो, तो अपन सबसे पहले कर्मों का योग कर ले। योग किया आपने कर्मों का, एल का कर्म कितना, 12। ओ का कर्म 15, ए का कर्म 1, डी का 4। अभी अपन ने प्लस किया तो ऊपर वाले क्वेश्चन कितना है, 32। अब देखिए भाई, भगवान ने इतना तो भेजा दिया अपने कि 32 और 32 ऊपर क्या है, 64। तो अपना आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भाई कर्मों का योग करने के बाद में क्या किया इसने, दोगुना किया है। कर्मों का योग करने के बाद में क्या किया इसने, दोगुना किया है। 32 का दोगुना किया कितना आ गया, 64 आ गया। वही काम नीचे किया अपन ने। देखिए दोस्त, एवरी के कर्मों का योग किया था अपन ने, कितना आया, 75, 75 आया। और देखिए दोस्त, 75 का दुगना किया तो 75 का दुगना किया तो कितना आ गया, 150। और यही क्या इस प्रश्न का सही जवाब। अपना आसानी से बता सकते हैं कि यदि एल ओ ए डी लोड को यदि 64 कह रहा है, 64 कह रहा है, तो एवरी को क्या कहेगा, 150, 150। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन।
देखिए, यदि इसी क्वेश्चन को और चेंज कर दे थोड़ा, और यदि मैं ये कह दूं कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD लोड को यदि 2323 कहा जाए या लिखा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में एवरी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, अब तो क्वेश्चन को पकड़ लिया पांडे, अपन लोड और एवरी के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, अपन ने देखा कि यार किसी भी शब्द का कोड संख्या के रूप में हो, संख्या 100 से नीचे हो या 100 के लगभग हो, तो अपन कर्मों का योग करें। और देखिए दोस्त, अभी ऊपर किया था अपन ने, कर्मों का योग किया 32। अब देखिए, भगवान ने इतना तो भेजा दिया अपने को 32, तो 32 से देखिए आपस में चेंज कर दिया, दो और तीन स्थान चेंज कर दिए इनका, और ये क्या हो गया अभी 23 हो गया। अब देखिए दोस्त, एवरी का कितना है 75, जो काम ऊपर 32 के साथ किया वही अपन 75 के साथ करेंगे, तो सही जवाब क्या हो गया इसका? 57 हो गया, 57 बिल्कुल ऑप्शन में मिलेगा अपने को, और यही क्या इसका सही जवाब? तो अपन बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, 57 हो। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD को यदि WZLO लिखा जाए, यदि LOAD को WZLO लिखा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में EVERY एवरी को क्या लिखा जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, ये कह रहा है कि लोड को क्या कह रहा है? WZLO, तो बताइए EVERY एवरी को क्या कहा? अब देखिए दोस्त, बहुत से लड़के इधर भी नंबर डाल लेते हैं, इधर भी नंबर डाल लेते हैं। देखिए, अपने को देखते ही मालूम चल रहा है विलोम जोड़े। जब अपन ने अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण का पहला पार्ट पढ़ा था, पहली क्लास जब अपन ने रीजनिंग शुरुआत की थी, उस दिन अपन ने विलोम जोड़े पढ़े थे। और देखिए दोस्त, देखते ही मालूम चल रहा है अपने को कि डी का विलोम जोड़ा क्या होता है, डब्लू दिल वाला, याद किया था अपन ने। इसके बाद में देखिए, एक का जेड A2Z, फिर अपन देख सकते हैं ओ का विलोम जोड़ा एल, लव, और एल का क्या होगा, ओ लव। तो अपन ने पढ़ लिया कि जो ये क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, विलोम जोड़े के आधार पे है। किस पर आधारित है? विलोम जोड़े पर आधारित है। देखिए दोस्त, यही अपन नीचे करें हैं, तो वाई का विलोम जोड़ा क्या होता है, बी। बताया था ना, एक लड़के ने लड़की की तरफ बाय बाय किया था। फिर देखिए आर, याद किया था अपन ने, याद हो तो इंडियन रेलवे। फिर देखिए ई का विलोम जोड़ा था लव, एल का ओ और वी का ई, तो ई का विलोम जोड़ा है वी। फिर देखिए वी का विलोम जोड़ा होगा ई, और ई का विलोम जोड़ा होगा वी, तो सही जवाब जो होगा वो होगा BIVEV। और एवरी का यदि अपन सही आंसर देखें, तो उसका सही आंसर अपने को ऑप्शन में मिलेगा BIVEV। अब देखिए, यदि विलोम जोड़े याद है तो अपन चंद सेकंड में इसका जवाब दे देंगे। मैंने बताया था उस वीडियो में आपको, उस क्लास में, कि विलोम जोड़े बड़े काम की चीज है।
रीजनिंग के कम से कम 7 टॉपिक में काम आता है विलोम योग। देखिए जैसे मान लो एक छोटे से क्वेश्चन की बात करूं, मैं कह दूं कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD को यदि 13, 4, 8 कहा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में EVERY को क्या कहा जाएगा। देखिए अपन चाहे तो इस लोड और एवरी के ऊपर अपन कम से कम 50 से 60 टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन शब्द चेंज करेंगे अभी। तो देखिए ये कह रहा है कि LOAD को यदि 13, 17, 4, 8 कहा जाए तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में EVERY एवरी को क्या कहा। देखिए दोस्त आपने देखा कि यार LOAD लोड 4 अक्षर है, सामने संख्याएं भी कितनी है 13, 17, 4 और 8 चार संख्याएं हैं। आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हो, सबसे पहले नंबर डालने हैं L12 नंबर पे, O15 नंबर पे, A1 नंबर पे और D4 नंबर पे। नंबर डाल लिया, नंबर डालते ही समझ में आ गया आपने कि देखिए 12 प्लस 1 कितना 13, फिर देखिए 15 और 15 प्लस 2 कितना 17, फिर देखिए दोस्त 1 प्लस 3 किया तो 4 और 4 प्लस 4 किया तो 4 और 4 8। तो देखिए अपने नियम पकड़ में आ गया कि भाई सबसे पहले इसने प्लस 1 किया, फिर प्लस 2 किया, फिर प्लस 3 किया, फिर प्लस 4 किया, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एक नियम है। और यही चीज यदि अपने एवरी में फॉलो करें तो आंसर आ जाएगा अपना। सबसे पहले अपन ने नंबर देखा, ए कितने नंबर पे 5, वी कितने पे 22, विनीता कितने की थी 22, ए कितने पे 5, आर 18, वाई 25, ये आ गया। अब देखिए दोस्त अपन क्या करेंगे, देखिए 5 प्लस 1 किया तो कितना 6, 22 किया तो 24। भाई इसमें क्या किया अपने प्लस 1, फिर किया प्लस 2, 22 और 2 24, फिर किया अपने प्लस 3, 5 और 3 8, फिर किया प्लस 4, 18 और 4 22, फिर किया अपने प्लस 5, 25 और 5 कितना 30। अब देखिए ये सही जवाब आ गया इसका 6, 24, 8, 22, 30। लेकिन ध्यान रखना यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो ये 30 है ना 30, दिमाग में एक चीज आई कि सर यदि अक्षर की कोड अक्षर होता तो फिर 30 का मतलब क्या था। तो देखिए दोस्त इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं अपन, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना वापस। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं दूसरे तरीके से। अपन ने देखा कि यार LOAD
LOAD लोड को। देखिए यहां संख्या की जगह अपन लिखेंगे अक्षर, यदि लोड को MQDH लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में EV, ERY, EVERY को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अपन ने इधर देखा तो भी अक्षर है, सामने कोड भी किसमें है, अक्षर में। तो सबसे पहले आप जहां भी वर्णमाला के जो अक्षर दिखते हैं इनके नंबर डाल लो। सबसे पहले नंबरिंग की आपने, एल कितने नंबर में, 12 नंबर में, ओ 15 में, ए 1, डी 4 नंबर में। देखिए एम कितने नंबर पे है, 13 पे, क्यों 17 नंबर पे, डी 4 पे, एच 8 पे। सबसे पहले नंबर डाल लिया अपन ने। देखिए दोस्त इन दोनों में अपन रिलेशन देख रहे हैं, इनमें संबंध देख रहे हैं, 12 और 1 13 प्लस 1 कर दिए, 15 और 2 17, 1 और 3 4, 4 और 4 8, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए एवरी में अपन ने देखा कि सबसे पहले ई 5 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, ई 5, आर 18 और वाई 25। अब देखिए दोस्त प्लस 1 किया सबसे पहले, पांच और 1 6। अब देखिए यहां अपन ने देखा कि यहां अक्षर के कोड अक्षर के रूप में दे रखा है, तो अपन यहां 6 की जगह लिखेंगे F। फिर अपन ने देखा 22 और 2 24। अब देखिए मेरे भाई 24 नंबर पे क्या लिखेंगे अपन, वर्णमाला में 24 नंबर पे क्या है, X। फिर अपन ने देखा 5 और 3 8, और 8 नंबर पे क्या है, H। फिर किया अपन ने 18 और 4 22, और 22 नंबर पे क्या है, V। फिर किया अपन ने प्लस 5, और 25 और 5 हो गया 30। अब देखिए यहां अपने एक चीज समझ में आई कि सर यहां तो अपन ने नंबर तो लिख दिया 30, अब बात आ गई अक्षर की, तो 30 नंबर पे क्या लिखें। तो देखिए तो 26 नंबर पे क्या है, जेड। 27 में क्या होता है, ए। 28 का मतलब बी, 29 का मतलब सी, और 30 का मतलब डी। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने, 26। तो आप एक काम कीजिए 30 में से 26 घटा दें तो कितना बच गया, 4। तो आप 30 भी कह सकते हो, और इसको यदि अपन वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखें तो आप 4 भी कह सकते हो, और अपन आसानी से बता सकते हैं कि 30 नंबर का मतलब यहां क्या होगा, डी होगा। क्या होगा भाई, डी। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा एफ एक्स एच वी डी, और यही क्या इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए यदि अपन चाहें तो इस लोड और एवरी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए यहां पर नहीं ये कर दिया। यदि अपन चाहें तो इस लोड और एवरी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, तरीका वही है, केवल क्या चेंज होता है, शब्द चेंज होता है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मैं अभी जो भी गत वर्षों के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले पिछली राजस्थान पुलिस में जो मार्च 2017 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, पिछले जेल प्रहरी के पेपर हुए थे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हुए थे, SSC GD में हुए थे, MTS के हुए थे,
जो भी क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे एक बार, जो भी कोडिंग डिकोडिंग के संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अभी अपन इन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने ध्यान से सुनना दोस्त, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पे। मैंने कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD लोड को 14 कहा जाए, लोड को क्या कहा जाए, 14। किसी सांकेतिक भाषा में LOAD लोड को कहा जाए 14, तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में EVERY एवरी को क्या कहा जाए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और यही क्वेश्चन आप देख सकते हो 7 मार्च 2017 के पेपर में था, लेकिन क्वेश्चन का तरीका यही था, लेकिन क्वेश्चन वहां था कि किसी सांकेतिक भाषा में बुक्स को यदि 26 कहा जाए तो LOYL लॉयल को क्या कहा जाएगा। अभी आगे चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों की। तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखा कि यार नंबर डालने अपन L 12 नंबर पे, O 15, A 1 और D कितने पे, 4 पे। देखिए दोस्त योग तो किया है, कर्मों का योग तो किया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से 1x1 डिजिट, एक एक अक्षर को प्लस किया है, एक एक संख्या को प्लस किया है। देखिए 4, 4 और 1, 5, 5 और 5, 10, 10 और 1, 11, 11 और 2, 13, 13 और 1, 14। आंसर तो आ गया अपना, जो काम LOAD लोड में किया वही एवरी में कर देंगे। आपने देखा कि ई कितने नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, वी 22, ई 5, आर 18, वाई 25। देखिए 5 और 2, 7, एक एक संख्या को प्लस करना है, 5 और 2, 7, 7 और 8, 15, 15 और 1, 16, 16 और 5, 21, 21 और 2, 25, 25 और 5 कितना, 30। तो आप बता सकते हो आसानी से कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 30, 30, और यही क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इसने कह दिया कि भाई किसी सांकेतिक भाषा में यदि BAD किसी सांकेतिक भाषा में यदि BAD बेड को 5, 2, 17 कहा जाए तो बताइए मेरे भाई कि TOY टॉय को क्या कहा है। देखिए सबसे पहले आपने नंबर डाला बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, डी 4 पे, और देखिए यहां आपने देखा कि यार +3, +1, +13 ये कोई नियम तो है नहीं। देखिए पकड़ में आई कि यदि अपन 2 का स्क्वायर कर दें, 2 × 4 + 1 कर दें तो कितना हो गया, 5। फिर आपने देखा कि अपन 1 का स्क्वायर कर दें, +1 कर दें, 1 और 1, 2। फिर आपने देखा कि 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 कितना, 17। तो अपन ने देख लिया कि यार क्या किया अपन ने, वर्ग प्लस एक क्या किया है, स्क्वायर करके प्लस क्या किया है, 1 किया है। देखिए टी कितने नंबर पे है, 20 पे, 20 का स्क्वायर कितना, 400, प्लस 1 किया तो कितना, 401। ओ 15 नंबर पे, 15 का स्क्वायर कितना है, 225, प्लस 1 किया तो 226। वाई 25 नंबर पे,
25 का स्क्वायर देखें अपन तो 625, 625 और 1 626, और अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 401, 226, 626, और यही क्या इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि सांकेतिक भाषा में यदि एफ ओ यू आर 4 को 7, 17, 24, 22 कहा जाए तो बताइए मेरे भाई एफ आई वी ई 5 को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि यार चार अक्षर है सामने, संख्याएं भी कितनी है, चार है, नंबर डाल लीजिए। एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। ओ कितने पे है, 15। यू, युवा की उम्र 21, यूथ। आर 18। देखिए भी 6 प्लस 1 क्या तो कितना, 7। फिर अपन ने देखा 15 प्लस 2 किया तो 17 आ गया। फिर अपन ने देखा 21 और 3 24। फिर अपन ने देखा 18 और 4 22। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये एक नियम बन गया। और यही चीज अपन यदि 5 में लागू करें तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। आई 9 पे, वी 22 पे, ई 5 पे। देखिए 6 और 1 7, 9 और 2 11, 22 और 3 25, 5 और 4 9। अपन बता सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा 7, 11, 25, 9। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। यदि अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करके फिर क्वेश्चन को सोल्व करें तो ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं आते कोडिंग डिकोडिंग। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी ए पी को 7, 26, 11 कहा जाए तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में गन, जी यू एन गन को क्या कहा जाएगा। देखिए नंबर डाल रहे हैं, सर टी 20 पे माइनस 13 किया, कहीं ए 26, 1 पे पी फिर 16 पे आ गया, नंबर डालने से हो ही नहीं रहा। देखिए दोस्त याद कीजिए विलोम जोड़े। देखिए देखते ही मालूम चल गया कि यार विलोम जोड़े पे आधारित क्वेश्चन है। आपने देखा कि जी, जी का विलोम जोड़ा है टी और टी का विलोम जोड़ा है जी। लड़का और लड़की कहाँ घूम रहे थे, जीटी रोड पे। तो आपने देखा जी का क्रम होता है 7, 7, जी 7। फिर आपने देखा ए, ए का विलोम जोड़ा है ए टू जेड, और जेड कितने पे होता है, 26 पे। फिर आपने देखा पी, उस आशिक को, उस प्रेमी को सजा हुई थी किसकी, काले पानी की, केपी, और के का क्रम है 11। तो अपने पकड़ में आ गया कि यार जो विलोम शब्द थे, वो सॉरी विलोम जोड़े थे, उनके कर्मों का जो उनके क्रम है उन पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए जी, जी का विलोम जोड़ा है जीटी रोड, और टी का क्रम है 20, टी टाउन। यू, लड़के और लड़की का प्यार कैसा था, फुल यूजफुल, और एफ का क्रम है 6। एन, वो लड़का अंत में क्या बन गया था, मिनक, मैन, और एम का क्रम है 13। तो सही जवाब क्या हो गया, 20, 6, 13। ध्यान रखना दोस्त इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको जो अल्फाबेट टेस्ट की पहली क्लास थी, जो पहला वीडियो था, वो जरूरी देखना है। क्योंकि बिना विलोम जोड़े पर, बिना विलोम जोड़े पड़े हुए ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो एक बार वो विलोम जोड़े जरूर देखना आप। देखिए ये भी विलोम जोड़े पे आधारित क्वेश्चन है, उल्टे क्रम में लिख दिया थोड़ा। ई, ई का विलोम जोड़ा है वी, लव, और वी का क्रम है 22। 21 साल का युवा किसको ले गया था, 22 साल की विनीता को।
एल, एल का विलोम जोड़ा है ओ लव, और ओ का क्रम है 15। पी, पी का विलोम जोड़ा है काला पानी। के का क्रम है 11। पी वापस अपन ने देखा, पी का विलोम जोड़ा के काला पानी, के का क्रम 11। ए, ए का क्रम है विलोम जोड़ा है जेड, ए टू जेड, और जेड का क्रम है 26। तो अपन बता सकते हैं ऑरेंज का भी, ई, ई का विलोम जोड़ा है वी, वी का क्रम है 22। फिर अपन बता सकते हैं जी कि जी का विलोम जोड़ा होगा श्रीमान जी टी, जी टी रोड, और टी का क्रम होगा 20। फिर अपन ने देखा कि एन, अपन ने पढ़ा एन का विलोम जोड़ा क्या होगा मैन, एम, और एम का क्रम है 13। फिर बात की ए, ए का विलोम जोड़ा होगा ए टू जेड, जेड और जेड का क्रम है 26। फिर अपन ने देखा आर, वो लड़का और लड़की कहाँ कट गए थे, इंडियन रेलवे के नीचे, आर का आई, और आई का क्रम है 9, आई नो, मैं जानता। फिर अपने देखा ओ, ओ का विलोम जोड़ा लव, और एल का क्रम है 12। तो अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 22, 20, 13, 26, 9, 12। ये अपने को ऑप्शन मिलेगा और यही इसका सही जवाब है। देखिए विलोम जोड़े पे आधारित क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है अक्सर हर एग्जाम में। अभी अगला क्वेश्चन अपन देखें, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में यदि एफ ई डब्ल्यू ह्यू को 37 कहा जाए और उसी सांकेतिक भाषा में एम ओ आर ई मोर को 55-55 कहा जाए तो बताइए मेरे भाई जी आई आर एल एस गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्त, ह्यू 37 किसी शब्द का कोड संख्या के रूप में, संख्या 100 से नीची है। एक बार कर्मों का योग करके देख ले अपन, आपने किया हाँ, एफ का क्रम 6, ई, ई का क्रम 5, डब्ल्यू का क्रम 23। देखिए दोस्त, योग किया अपन ने 23 और 5 28, 28 और 6 34, लेकिन ऊपर तो क्या है 37, तो प्लस 3 किया। अब कई कह रहे हैं कि सर 1, 2 और 3 ह्यू में 3 अक्षर हैं तो प्लस 3 कर दो, सही बात है। तो देखिए योग करके प्लस 3 किया तो 37 आ गया। अब देखिए यही चीज मोर में देखें अपन, एम कितने नंबर पे है 13, ओ 15, आर 18, ई 5। देखिए भाई प्लस किया, प्लस किया तो आ गया 51। अब देखिए प्लस 3 यहाँ किया, प्लस 3 यहाँ करे तो 54 आता है। लेकिन देखिए अपन ने देखा कि 1, 2 और 3 तीन अक्षर है, योग करके ही प्लस 3 कर दिया तो आ गया 37। अब देखिए योग किया आ गया 51। अब इसमें देखिए मोर में 1, 2, 3 और 4 चार अक्षर है तो प्लस 4 किया तो कितना आ गया 51 और 4, 55। योग किया, फिर इसने देखा अक्षरों की संख्या कितने अक्षर है वो प्लस कर दिए, और यही चीज अपन ने फ्यूमी की, उसी नियम के अकॉर्डिंग अपन ने मोर को किया। तो देखिए दोस्त गर्ल्स को भी उसी तरीके से करेंगे अपन। जी का क्रम 7, आई का 9, आर का 18, एल का 12, एस का 19, ये कर दिए प्लस कीजिए। देखिए भी इनका सबका योग किया अपन ने 18 और 12, 30, 30 और 20, 50,
50 और 15 65, तो देखिए योग किया तो कितना आया 65। अब देखिए दोस्त, 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रंथ में कितने अक्षर हैं? 5। तो 65 और 5 कितना? 70। और यही क्या इसका सही जवाब? वैसे भी अपन कह सकते हैं सर प्लस 3 क्या, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5। तो सही जवाब है कल्स का 70। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि FOUR4 को 30 कहा जाए, 5 को 21 कहा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में 6 को क्या कहा जाएगा? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो, संख्या 100 से नीची हो, 100 के लगभग हो, तो कर्मों का योग करके देखिए। कर्मों का योग किया आपने, एफ 6 नंबर में, ओ 15, यू 21, आर 18 प्लस किया दोस्त, 15 और 6 21, 21 और 21 42 और 18 कितना? 60। देखिए योग तो 60 आ गया, लेकिन ऊपर तो 4 को क्या कह रहा है? 30 कह रहा है। अब थोड़ा दिमाग तो अपन भी यूज करें, थोड़ा भेजा लगाए कि यार ऊपर 30 है नीचे 60 है तो क्या करें? डिवाइड बाय 2, 2 से भाग दे दें। यदि 30 60 में 2 का भाग दिया तो 30 आ गए। लेकिन कर्मों के योग की जरूरत तो पड़ी ना, बिना कर्मों का योग के तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते। तो देखिए यही काम यहां करें, एफ का क्रम 6, आई का क्रम 9, वी का क्रम 22, ई का क्रम 5। तो देखिए दोस्त, 9 से 15 और 5 20 और 22 42 योग करने के बाद में 2 से भाग दिया। यहां भी देखिए 2 से भाग दो, 42 में 2 का भाग दिया तो कितना? 21। और देखिए 5 का कोड भी 21 है। यदि 4 और 5 में दोनों में यदि सेम नियम फॉलो हो रहा है तो फिर 6 का आंसर तो आ जाएगा अपना। देखिए एस का क्रम कितना है? 19, आई का क्रम अपना 9 और एक्स का क्रम कितना है? 24। और देखिए दोस्त, ऊपर दोनों में 4 में और 5 में अपन ने क्या किया? कर्मों का योग किया। अब यहां अपन कर्मों का योग कर रहे हैं तो आ रहा है 52। अब देखिए योग करने के बाद में डिवाइड बाई 2 से किया अपन ने, तो यहां अपन 52 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा? 26। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? 26। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अपने, यदि अपन उनको बेसिक तरीके से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोडिंग डिकोडिंग कोई जटिल टॉपिक नहीं है, अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए ये अभी जो क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे अपन, ये थे कॉन्स्टेबल में आए हुए, अभी SSC के जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए वो अभी करंट में 2020 में, 2020 में जो अपने स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी थी, 3 जनवरी 2020 हिंदी का पेपर था उस दिन से 3 जनवरी 2020 से लेकर 13 जनवरी 2020 तक जो फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर चले थे, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज स्कूल लेक्चरर में जो पहला पार्ट होता है उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट के जो पेपर था उसमें हर पेपर में एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग के। तो अभी जो अगली क्लास होगी अपनी, उन पेपरों की भी चर्चा करेंगे। अभी जो गत जो SSC के पेपर हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए उनकी भी चर्चा करेंगे, जो कॉन्स्टेबल के पेपरों में क्वेश्चन आए उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चौधरी विदा लेता हूँ, मिलेंगे अपन अगली क्लास में इसी समय। धन्यवाद।